सो हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दर्शना रामचंदानी। होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। गाइज, इन टुडेज वीडियो वी गोना रिव्यू, एक्चुअली कंपैरिजन वीडियो है ये, लेकिन हम साथ साथ में रिव्यू भी करेंगे दो ऐसे सीरम्स का जो कि बहुत ही नेचुरल हाइड्रेटिंग और रेडियंट ग्लो देने के लिए मार्केट में बहुत फेमस है। काफ़ी अच्छी मार्केटिंग भी है इनकी और काफ़ी अच्छा इनका सेल भी है। सो आइए आज हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे, सेपरेटली इनका रिव्यू करेंगे एंड लास्टली इनको कंपेयर करेंगे। सो ये दो सीरम है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड वाइब्स रोज हिप सीरम एंड द सेकेंड वन इज पिलग्रिम्स 2% हाइलोरोनिक एसिड विद वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट सीरम। सो आपने दोनों के ही नाम सुने होंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, आपके स्किन के लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज व्हेन एवर आई पोस्ट माई न्यू वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन क्विकली, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए और मेरे साथ आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Let's just not talk much and get started with the video. The Good Vibes Rose Hip Radiant Glow Face Serum. Yes guys, ये इसका पुराना पैकेजिंग है मेरे पास, अभी आई थिंक इसका नया पैकेजिंग आ गया है, दिस वन, और दोनों ही सेम है, जस्ट पैकेजिंग का डिफरेंस है। मेरे पास ये पहले से पड़ा था, मैंने इसको रिपर्चेज नहीं किया है, सो इसीलिए आपको इसका पुराना पैकेजिंग देखने को मिल रहा है। तो अब बात करें इस सीरम की, तो इसका जो क्वांटिटी है वो है 10 ml और इसका जो प्राइस है वो है 215 rupees पहले के लिए। अभी मे बी ये 250 से भी ऊपर हो गया है, 250 समथिंग है, इट मीन्स 10 ml फॉर 250 rupees। और यहाँ पर लिखा है नो पैराबेन, क्रुएल्टी फ्री, मिनरल ऑयल फ्री है ये आपका सीरम। और इसका दावा है इंस्टेंट आपको ही रेडियंट ग्लो देने का और फेस को क्लीन बनाता है। ये स्किन क्वालिटी को मेंटेन करता है, स्मूथ करता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है इसमें। सो इस तरीके का इसका पैकेजिंग है और अंदर ये आपको मिल जाएगा बोतल सीरम का, ब्लू कलर का ये बोतल है। मोस्टली जो सीरम्स है जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है वो अक्सर डार्क कलर के बोटल्स में आते हैं बिकॉज वो सन से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसीलिए मोस्टली वो या तो ब्लैक, ब्राउन और डार्क ब्लू ऐसे कलर्स में आते हैं। सो यहाँ पे भी अगेन बस वही सब लिखा है, 2 साल का आपको एक्सपायरी डेट मिल जाएगा। प्राइस एंड पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, हाउ टू यूज 2-3 drops ऑफ द फेस सीरम जेंटली, बस नॉर्मली जैसे आप बाकी सीरम्स को अप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसा है, और ग्लो देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी लोग इसको मेकअप से पहले भी यूज़ करते हैं एक विजिबल ग्लो के लिए अपने मेकअप में। सो मैं यहाँ पर इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊँ, तो ये मैंने 3-4 drops ले लिए हैं इसके, आई थिंक दिस वुड बी इनफ। वाओ, ये अप्लाई करते ही मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है और इसका फ्रेग्रेंस तो ओए होए होए। सो ये यहाँ पर सीरम मेरा अप्लाई हो गया है, एक अच्छा सा रेडिएंट ग्लो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो। काफ़ी नेचुरल ग्लो है इसका, लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई किया, और एट द सेम टाइम काफ़ी लाइट वेट भी है। सो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, बिल्कुल नॉन स्टिकी है, देखिए जस्ट अभी अप्लाई किया है और अभी मेरी स्किन को इसने अंदर तक अब्सॉर्ब कर लिया, बिल्कुल बाहर की लेयर पर बिल्कुल नहीं दिख रहा कि कोई मैंने प्रोडक्ट अप्लाई भी कर रखा है। सो ये रहा हमारा पिलग्रिम 2% हाइलोरोनिक एसिड विद हाइलोरोनिक एसिड एंड वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट। सो इसमें है कीवी और वाटरमेलन का एक्सट्रैक्ट, फ्रेग्रेंस फ्री है ये और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और मेड इन कोरिया है। ये प्रोडक्ट अभी ही साल भर पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है और काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इसका एक पीलिंग सोल्यूशन है, मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ जो मेरे पास आ चुका है, मैं जस्ट उसको यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम के लिए एंड देन उसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अब इसके जो इंग्रीडियंट है वो यहाँ पर मैंशन नहीं है, बस यहाँ पे की इंग्रीडियंट्स लिखा हुआ है सोडियम हाइलोरोनेट बस, बाकी 2% हाइलुरोनिक एसिड है और सेफ्टी एक्सटर्नल यूज ओनली, और वही बस जैसे आप नॉर्मल सीरम्स को यूज करते हैं 2-3 drops लेके मसाज करना, बस वैसा ही है। अब इसका मैं अगर आपको क्वांटिटी बताऊं तो ये है 5 ml, बिल्कुल इसका आधा, ये था 10 ml और ये है 5 ml, और इसका प्राइस था 250 rupees एंड इसका प्राइस है 200 rupees, मतलब दिस वन इज क्वाइट एक्सपेंसिव फ्रॉम दिस वन। सो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो इसका हमें अगेन एक्सपायरी डेट मिल जाएगा 2-3 साल का, और ये 100% वेगन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है, नो पैराबिन्स है, नो सल्फेट है, एनिमल टेस्टिंग, नो एनिमल टेस्टिंग, FDA अप्रूव्ड
और टॉक्सिक फ्री है, टॉक्सिक 20 फ्री है। टॉक्सिक 20 ऐसे 20 केमिकल्स आते हैं जो हमारी स्किन और हेयर्स को हार्म करते हैं, उनसे ये फ्री है, यहाँ पर ऐसा मेंशन है। सो आइए इसको भी हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने दोनों ही सीरम पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और दोनों को ही मैंने लॉन्ग टर्म में भी यूज़ किया हुआ है। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस जस्ट टू रिव्यू कि आप लोगों को पता चले कि ये इंस्टेंट यूज़ के बाद कैसा लगता है। ये मेरा सीरम ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने है बिकॉज इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम थी, सो मैंने इसको जल्दी ख़त्म कर दिया। और आप यहाँ पर देखेंगे तो एंड एज दे मेंशन ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है, कोई इसका फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है। आप दोनों तरफ का मेरा फेस देख सकते हैं, आपको कौन सी तरफ ज़्यादा ग्लो लग रहा है। अगेन आप इन दोनों को मेकअप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा गुड वाइब्स का सीरम ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इट इज़ क्वाइट चीपर एंड मेरे को इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी पिलग्रिम से। सो आप क्लोजअप में दोनों ही साइड का मेरा फेस देख सकते हैं। अब्जॉर्विंग दोनों ने बिल्कुल सही किया है, स्टिकी एक भी नहीं है, दोनों ही नॉन स्टिकी है और दोनों ही काफ़ी लाइट वेट है स्किन पे। पर अगर ग्लो फैक्टर की बात की जाए तो मुझे थोड़ा सा गुड वाइब्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू दिस वन। और प्राइस की बात करें तो भी दिस इज़ क्वाइट चीपर, पैकेजिंग भी मुझे इसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा और अवेलेबल भी काफ़ी ईजिली हो जाता है ये वाला। सो आई विल गो विद दिस वन, मुझे काफ़ी पसंद आया। इंस्टेंट ग्लो अप प्लस ये एजिंग फैक्टर पर भी काम करता है, इट मीन्स आपको ग्लो देने के साथ साथ ये आपका स्किन केयर भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा। सो आई विल गो विद दिस वन। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया हो, दोनों में से कोई भी सीरम बाय करना हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोनों ही सीरम्स सेपरेटली काफ़ी अच्छे सीरम्स हैं, आप दोनों को ही श्योरली ट्राई कर सकते हैं एज आई डिड। लेकिन मुझे ये वाला जो सीरम है अगर कंपेयर किया जाए तो गुड वाइब्स मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट किस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।